हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। अगेन वेलकम बच्चा पार्टी योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मैं अरुण सोनी स्वागत करता हूँ आपका और संकल्प बैच फॉर बीएससी फर्स्ट सेम। तो मेरे बच्चा पार्टी थंबनेल आप देख चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं हमारी रीअरेंजमेंट रिएक्शन की। मेरे बच्चा पार्टी, रीअरेंजमेंट में होगा क्या, कोई चीज उठा के इधर से उधर कर देना और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और बच्चा पार्टी से पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन बच्चा हमने दो वीडियो में की। पहली में हमने अल्फा बीटा गामा की बात की थी और बच्चा पार्टी लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी ई1 और ई2 की। आज बच्चा हम बात करेंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होगी और क्या कुछ बाकी रह गया इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। एक छोटा सा टास्क मैं आपको भी दूंगा, ठीक है। तो आइए मेरे बच्चा पार्टी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। नोटबुक अपने निकाल लीजिए मेरे बच्चा पार्टी, मैं लिख चुका हूँ जो मुझे करवाना है इस वीडियो के अंदर। इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, वीडियो क्वालिटी अच्छी चल रही है, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी अभी भी कहता हूं, अगर स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्डिंग आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, और अभी तक जो लेक्चर आए हैं नहीं देखे तो मेरे बच्चा पार्टी देख लीजिए, क्योंकि मैंने पहला और तीसरा चैप्टर इसलिए एक साथ उठाया है कि ये आगे आने वाले जितने भी हमारे ऑर्गेनिक में चैप्टर होंगे आपको पूरी ऑर्गेनिक में यही चीजें देखने को मिलेगी। हम सब कुछ कर चुके ऑर्गेनिक, कई चैप्टर खत्म होते ही हमारी ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी, सारा का सारा ऑर्गेनिक मिक्स हो जाता है इसके अंदर। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ता, जितने रिएक्शन की हम टाइप कर रहे हैं यही रिएक्शन होगी, इंटरमीडिएट जो करेंगे वही आएंगे। तो ठीक है मेरे बच्चा पार्टी, पहले वाली वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आइए मेरे बच्चा पार्टी, रीअरेंजमेंट रिएक्शन की मैं बच्चों बात करूं तो मेरे बच्चा पार्टी इसी को बोला जाता है आइसोमराइजेशन रिएक्शन। आइसोमर में भी आपको करवाऊंगा, चैप्टर नंबर 3 हमारा आएगा स्टीरियो केमिस्ट्री, वहां पर मैं कंप्लीट आइसोमराइजेशन आपको करवाऊंगा, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी, ध्यान से सुनना। दूसरी रिएक्शन विच इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ एटम या ग्रुप, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर मूवमेंट होगी किसी एटम की या ग्रुप की। अब ध्यान से सुनना, फ्रॉम वन एटम टू अनदर विद इन द सेम मॉलिक्यूल, यानी कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम की मूवमेंट तो हो रही है, वो एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर तो जाएंगे, लेकिन मॉलिक्यूल लेवल का पार्टी कैसा रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। मूवमेंट है लेकिन सेम मॉलिक्यूल के अंदर, सबसे बड़ी बात है बच्चा पार्टी, सेम मॉलिक्यूल के अंदर। और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा मेरे बच्चा पार्टी, डिफरेंट होगा। दोबारा बता देता हूं, मूवमेंट होगा किसी भी एटम या ग्रुप का, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम से दूसरे एटम पर चला जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, रीअरेंजमेंट। बच्चा पार्टी ये आपको शिफ्टिंग रिएक्शन के नाम से देखने को मिलेगी, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1-2 एल्काइल शिफ्ट, 1-3 एल्काइल शिफ्ट, 1-3 हाइड्राइड शिफ्ट, ऐसी ऐसी रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए रिएक्शन में होगा क्या, हमारे पास बच्चा पार्टी CH3 CH2 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 चार कार्बन है बच्चा पार्टी, ये हो जाएगा हमारा ब्रोमो ब्यूटेन। ब्रोमो ब्यूटेन आपको दे रखा है, आपने इसको हीट कर दिया, टेम्परेचर आपने रखा 575 केल्विन, 573 केल्विन, और एज एन कैटलिस्ट यूज किया एनहाइड्रस AlCl3, सूखा हुआ AlCl3, एनहाइड्रस मतलब पार्टी सूखा हुआ, एनहाइड्रस सूखा हुआ बिना पानी का। तो मेरे बच्चा पार्टी जैसे ही आपने ब्रोमो ब्यूटेन की रिएक्शन करवाई, उसको हीट किया, कैटलिस्ट की प्रेजेंस दी, इसने क्या किया ध्यान से देखो, इसका हाइड्रोजन तो पहुंच जाएगा यहां पे, यहां पे तो हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है, और ब्रोमीन आ जाएगा यहां पे। आई मेरे बच्चा पास में हाइड्रोजन यहां पे चला जाएगा, ब्रोमीन यहां पे, यानी कि जो अड़ोसी पड़ोसी पहला और दूसरा कार्बन है, पहले कार्बन ने तो अपना बीआर दे दिया दूसरे को, मैं नंबर लिख देता हूं, ये तो पहला दूसरा ये तीसरा ये चौथा, पहले कार्बन ने अपना बीआर दे दिया दूसरे को, तो दूसरे ने क्या डोनेट कर दिया, अपना हाइड्रोजन दे दिया, तो क्या बनेगा CH3 ऐसे कैसे, CH2 ऐसे कैसे, यहां से हाइड्रोजन आगे जाएगा तो CH3 हो जाएगा, यहां पर बीआर आएगा तो CH2Br हो जाएगा। ये बात है रीअरेंजमेंट में, कुछ भी नहीं है। अब इसको आइसोमराइजेशन रिएक्शन क्यों बोला, ये आइसोमर ही तो है एक दूसरे के, सिर्फ पोजीशन के अंदर फर्क है, पोजीशन आइसोमर होता है, चैन आइसोमर होता है, फंक्शन आइसोमर होता है, तो सारे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अभी क्या समझे, सिर्फ एक मॉलिक्यूल की शिफ्टिंग होगी एक एटम या ग्रुप की, पहले दूसरे तीसरे कार्बन पर कहीं भी हो सकती है, लेकिन होगी वो सेम मॉलिक्यूल के अंदर मेरे बच्चा पार्टी। ये था रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पड़ता रीअरेंजमेंट के अंदर, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी, एक बार अच्छे से नोट कर लो, वीडियो तो मेरी हो चुकी है, ठीक है। अब और बातें सुन लो, ये पढ़ने हमें
रिएक्टिव इंटरमीडिएट या रिएक्शन इंटरमीडिएट आप कुछ भी नाम दो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपको रिएक्टिव इंटरमीडिएट बोलो या रिएक्शन, यानी कोई भी ऑर्गेनिक के अंदर रिएक्शन हो रही है तो इनमें से एक इंटरमीडिएट 100% बनेगा मेरे बच्चा पार्टी, बिना इनके रिएक्शन होगी ही नहीं, कोई ना कोई ट्रांजिशन स्टेट जरूर आएगी। तो कुल मिला के मेरे बच्चा पार्टी पांच टाइप के इंटरमीडिएट होते हैं हमारे, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, ये तीनों आप प्लस वन के अंदर भी स्टडी करके आए हो। बच्चा पार्टी मैंने पहले और दूसरे वीडियो में होमोलाइटिक क्लीवेज हेटरोलाइटिक क्लीवेज कैसे बनते हैं मैंने बता भी दिया था, कई बार क्वेश्चन ही दे देते हैं कि होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या बनेगा या फ्री रेडिकल कैसे बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए। बाकी अब जो हम करेंगे ना कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, एक होता है कार्बिन, कार्बिन अभी अभी हमने एलिमिनेशन रिएक्शन में देखा था पीछे, अल्फा एलिमिनेशन में देख लेना आप, ठीक है, वन वन एलिमिनेशन रिएक्शन में। तो मुझे बच्चा था कि यहां पर सिंगल एंड भी बनेगा और ट्रिपलेट कार्बिन, दो कार्बिन तो है लेकिन कार्बिन के अंदर भी दो टाइप है, एक सिंगलेट कार्बन होती है, एक ट्रिपलेट कार्बन होती है, इनकी स्पिन का फर्क होता है, हम स्पिन को भी समझेंगे, अलग से अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, इनकी टेंशन मत लो। एक है मेरे बच्चा था नाइट्रीन, नाइट्रीन को भी अच्छे से करेंगे, हमारे बच्चा पार्टी बहुत सारी बुक में ना नाइट्रीन को दे नहीं रखा, बहुत सारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी नहीं है, हमारे बच्चा पार्टी हम इसको भी कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब मैं वो बता दूंगा आपको जब करवाऊंगा किस यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है किसके नहीं, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अलग सा पैटर्न है, तो मैं जो 7-8 यूनिवर्सिटी को टारगेट करके मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे बच्चा पार्टी उनके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी कार्बोकैटायन यानी कैटायन तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कैरी करके चलेगा, कार्बोनायन होगा तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज कैरी करके चलेगा, फ्री रेडिकल होगा तो ओड इलेक्ट्रॉन लेके चलेगा, और कार्बिन आपने देखा ही था यहाँ पे दो ग्रुप लगे होंगे और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन होंगे, अब ये सिंगलेट कैसे होगा, ट्रिपलेट कैसे होगा वो हम करेंगे। टास्क मैंने जो आपको देना था मैंने कहा था आपको होता है नाइट्रीन क्या होता है, लेकिन बिना गूगल बाबा का यूज किए, गूगल बाबा को मत देखना, अपने थोड़े घोड़े दौड़ाना, प्लस टू में एक जगह आया था नाइट्रीन इंटरमीडिएट के तौर पर, आपने कहा था एक बेंजाइन भी होता है, बेंजाइन भी होता है वो भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, बेंजाइन इंटरमीडिएट भी आता है, ठीक है। तो मुझे ये बता देना नाइट्रीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। तो ये था मेरे बच्चा पार्टी हमारा आज का लेक्चर, इससे ज्यादा कुछ नहीं, रीअरेंजमेंट का आपको पता होना चाहिए, छोटी सी डेफिनेशन है, एक दो नंबर में आते तब कर लेना, ये हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट है। अब हम स्टार्ट करेंगे कार्बोकैटायन से नेक्स्ट वीडियो के अंदर मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय बच्चा पार्टी, और मेरे बच्चा पार्टी वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दो जिन्होंने पहली बार कॉलेज में एडमिशन लिया है, ताकि उनको पता लगे कि कितना प्यार से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखेंगे, जो बच्चों का डर होता है ना ऑर्गेनिक को वो निकालने के लिए यहाँ पर आया हूँ, ठीक है, बिल्कुल प्यार से स्टडी करना है, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। तो गुड बाय बच्चा पार्टी, सभी छोटा आप ले लीजिए।